उत्तर वैदिक काल के समाप्ति के समय अर्थात ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के अंत में भारत में धार्मिक आडंबर यज्ञ याग और कर्मकांड अपने चरम पर पहुंच चुका था। ऐसे में कुछ नए संप्रदाय धार्मिक सुधार का कार्य करने के लिए उभर कर सामने आए, जिन्होंने ईश्वर मूर्ति पूजा और कर्मकांडों से हटकर मानवता में विश्वास रखने वाली नई विचारधारा को सामने रखा। नास्तिक विचारधारा के इन संप्रदायों में मुख्य रूप से बौद्ध संप्रदाय ने अल्प समय में ही बहुसंख्यक भारतीयों पर अपना प्रभाव निर्माण किया। बौद्ध संप्रदाय के इसी प्रभाव के कारण इस काल को धार्मिक सुधार आंदोलन का काल भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय और बौद्ध धर्म की स्थापना से जुड़ी कहानी को हमने पहले ही एक वीडियो में विस्तार से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके उसे भी जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात भारत में हुए बौद्ध धर्म के विस्तार को, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को और बौद्ध धर्म के विभाजन और उसके पतन को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य बताए गए हैं, जो कि बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत भी है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, ये उनका क्रम है। उन्हें संस्कृत में चत्वारी आर्य सत्यानी और पाली में चत्तरी अरिय सच्चानी कहा जाता है। उनके अनुसार ये संसार दुखों का घर है और उन दुखों का मूल कारण है अज्ञान और तृष्णा। अर्थात अज्ञान और तृष्णा ही दुख समुदाय है, लेकिन अज्ञान और तृष्णा का विनाश करके हम दुखों का निराकरण कर सकते हैं और ये अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही संभव हो सकता है। अर्थात अष्टांगिक मार्ग ही दुख निराकरण का मार्ग है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा गया है। तो आइए अष्टांगिक मार्ग को भी समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक दृष्टि अर्थात व्यक्ति में चार आर्य सत्यों को परखने की दृष्टि होना आवश्यक है। सम्यक संकल्प अर्थात व्यक्ति द्वारा भौतिक वस्तु तथा दुर्भावनाओं का त्याग करना आवश्यक है। सम्यक वाक अर्थात व्यक्ति द्वारा सत्य बोलना आवश्यक है। सम्यक कर्म अर्थात व्यक्ति द्वारा सत्य निष्ठता से कर्म करना आवश्यक है। सम्यक आजीव अर्थात व्यक्ति द्वारा प्रामाणिकता से आजीविका को कमाना आवश्यक है। सम्यक व्यायाम अर्थात व्यक्ति द्वारा शुद्ध विचारों को ग्रहण करना आवश्यक है। सम्यक स्मृति अर्थात व्यक्ति द्वारा मन वचन तथा कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। और सम्यक समाधि अर्थात व्यक्ति द्वारा चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करना आवश्यक है। इन अष्टांगिक मार्गों को बौद्ध दर्शन में तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक इनका समावेश है। शील में सम्यक कर्म और सम्यक आजीव का समावेश है। और समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का समावेश है। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। बुद्ध अर्थात जागृत तथा अनंत ज्ञानी मनुष्य, धम्म अर्थात बौद्ध धर्म की शिक्षा और संघ अर्थात बौद्ध भिक्खु और उपासकों का संगठन, ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। हाथी, सांड, घोड़ा और शेर, इन चार पशुओं को बुद्ध के जीवन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि हाथी को बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है, सांड को बुद्ध के यौवन का प्रतीक माना जाता है, घोड़े को बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है, तो शेर को बुद्ध के जीवन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ साथ बुद्ध के जन्म को कमल के फूल, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र, तो परिनिर्वाण को स्तूप के माध्यम से भी चिन्हित किया जाता है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका मतलब है तीन पुस्तक। ये त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं।
इसमें से प्रथम है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बुद्ध के उपदेशों को बताया गया है। ये दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, इन पांच भागों में विभक्त है। दूसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक तथा दार्शनिक वर्णन किया गया है। कथावत्थु अभिधम्म पिटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और तीसरा है विनय पिटक। इसमें भिक्षु संघ के लिए दैनिक जीवन संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। ये विभंग, खंडक और परिवार, इन तीन भागों में विभक्त है। इसी के साथ साथ बुद्ध के जीवन का वर्णन करने वाली ललित विस्तार, बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन करने वाली जातक कथाएं, वसुमित्र द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ महाविभाष, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण भी माना जाता है, श्रीलंका में रचे गए दीपवंश और महावंश, दिव्यावदान और धम्मपद, ये सब बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण अंग है। धम्मपद को तो बौद्ध धर्म की गीता भी माना जाता है। बौद्ध वास्तुओं में चैत्य, स्तूप और विहार, इनका विशेष महत्व है। चैत्य अर्थात बौद्धों का पूजा घर, स्तूप अर्थात बुद्ध अथवा उनके अनुयायियों के अवशेषों को रखने की जगह, और विहार अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, इसे बौद्ध मठ भी कहा जाता है। बौद्धों के महायान शाखा में बुद्ध की मूर्ति बनाने की जो परंपरा शुरू हुई, उसी परंपरा के तहत भारत में बड़ी मात्रा में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। ये मूर्तियाँ अधिकतर गांधार शैली में बनाई गई, इसीलिए गांधार शैली को ज़्यादातर बौद्धकालीन मूर्तिकला के साथ जोड़ दिया जाता है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीति का अर्थ है बौद्ध सभा, और इन सभाओं का उद्देश्य ये था कि बौद्ध धर्म से जुड़े सभी विद्वान एकत्रित आकर चर्चा के माध्यम से बौद्ध धर्म को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। इसी क्रम में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में राजा अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया। इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इस संगीति का विशेष ये रहा कि इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में चुल्लवग वैशाली में राजा कालाशोक के शासनकाल में किया गया। इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे शाबकमीर अथवा शाबाकामी, और इस संगीति का विशेष ये रहा कि इसमें भिक्षु संघ, थेरवादी और महासांघिक, इन दो भागों में विभक्त हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में राजा अशोक के शासनकाल में किया गया। इस बौद्ध संगीति का विशेष ये रहा कि इस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की स्थापना हुई और संघभेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए गए। इसके पश्चात चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क के शासनकाल में किया गया। और इस बौद्ध संगीति का विशेष ये रहा कि इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान, इन दो शाखाओं में विभक्त हो गया। तो हीनयान और महायान की विचारधारा में ऐसा क्या अंतर था कि जिस वजह से बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया, आइए उसे भी समझते हैं। हीनयान मुख्य रूप से रूढ़िवादी थे और वे परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वे बुद्ध के उपदेशों में नयापन लाने के पक्ष में नहीं थे, जबकि महायान परिवर्तन को स्वीकार करने और समय के अनुसार बुद्ध के उपदेशों में बदलाव करने के पक्षधर थे। बुद्ध ने देवताओं के अस्तित्व को अमान्य करते हुए नास्तिक धर्म की स्थापना की थी, इसीलिए हीनयान बुद्ध को केवल एक महापुरुष ही मानते थे। लेकिन महायान बुद्ध को स्वयं ईश्वर अथवा ईश्वर के अवतार के रूप में मानते थे। साथ ही साथ वे आत्मा
और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। हीनयान मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा के समर्थक थे। वे बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे। हीनयान बौद्ध दर्शन का सभी साहित्य पाली भाषा में पाया जाता है, जबकि महायान बौद्ध दर्शन का साहित्य संस्कृत भाषा में पाया जाता है। हीनयान विचारधारा बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए तथागत अनुशासनों के पालन पर जोर देती है, जबकि महायान विचारधारा बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए बुद्ध की भक्ति का मार्ग बताती है। इस प्रकार अलग अलग विचारधाराओं के कारण बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान इन दो शाखाओं में बट गया। विकास और विस्तार के इसी क्रम में 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान बौद्ध धर्म में वज्रयान नामक और एक नई शाखा का जन्म हुआ। तंत्र मंत्र जादू टोना और कर्मकांड में विश्वास रखने वाली इस शाखा के कारण ही लोगों के मन में बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा कम होने लगी और धीरे धीरे बौद्ध धर्म पतन के रास्ते पर निकल पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।